कुछ स्वादिष्ट है बनाना तो playrecipes.com पे जरूर है आना। एक छोटे गांव में प्रिया, मीरा, राधा नाम की तीन बहनें अपने माता पिता के साथ रहती थी। प्रिया और मीरा दिखने में बहुत खूबसूरत थी और राधा दिखने में साधारण थी। तीनों के अलग अलग विचार थे। उनमें से एक मीरा, जिसे स्कूल में जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, मैगजीन पढ़ना और बड़े बड़े सपने देखना उसे पसंद था। दूसरी थी प्रिया, जिसे स्कूल जाना बहुत पसंद था लेकिन सिर्फ अपने दोस्तों से मिलने के लिए। मजाक मस्ती, घूमना फिरना, पार्टी, ये सब उसे बहुत पसंद था। तीसरी थी राधा, जिसे स्कूल जाना, पढ़ाई करना, माँ की सहायता करना, दूसरों की हमेशा मदद करना पसंद था। एक दिन माँ मीरा से, मीरा यहाँ जरा मेरी मदद करो। नहीं माँ, तुम्हें तो पता है ना, मेरा जन्म छोटे मोटे काम करने के लिए नहीं हुआ है, और अभी तो मैं मैगजीन पढ़ रही हूँ। अरे कभी तो मदद कर दिया करो, आज नहीं तो कल शादी के बाद सबको काम करना ही पड़ता है। क्या शादी के बाद माँ, मैं तो ऐसे इंसान से शादी करूंगी जो बहुत ही ज्यादा अमीर हो, जैसे कि मैगजीन में दिखाते हैं। फिर तो मेरे घर में नौकर चाकर होंगे तो मुझे कोई काम करने की जरूरत ही नहीं होगी, और मैं अपनी लाइफ अपने तरीके से जी पाऊंगी। फिर भी बेटा कभी कभी काम किया करो। माँ बस भी करो अभी। माँ मेरे लिए आप बहुत अमीर लड़का चुनना, ताकि मुझे कोई काम ना करना पड़े। मीरा वहां से चली जाती है और शादी की बात सुनते ही प्रिया अपने माँ के पास आकर, माँ आप मेरे लिए ना बहुत ही हैंडसम, ऊंचा और जो मेरी हर ख्वाहिश पूरी करेगा ऐसा लड़का ढूंढना। हाँ तुम्हें भी अच्छा लड़का ही ढूंढ लूंगी, लेकिन काम में हाथ मत लगाना। तुम दोनों की दोनों एक जैसे ही हो, ना पढ़ाई में अव्वल और ना काम में। तुम दोनों को तो सिर्फ मैगजीन, मूवी जाना इतना ही पता है। तभी माँ को गुस्सा आता देखकर प्रिया वहाँ से चली जाती है और राधा वहाँ पहुँचती है। माँ क्या मैं आपकी कोई मदद कर दूँ? अरे नहीं बेटा, तुम बहुत थक चुकी होगी, तुम आराम करो। तुम अपने बहनों जैसी थोड़ी ना हो, जो दिन भर मजाक मस्ती, सोना उठना, मन चाहा करना। तू तो हमेशा कुछ ना कुछ करती रहती है। अभी अभी तो आई है, थोड़ी देर बात कर लेना। माँ मैं इतना काम पूरा कर लेती हूँ और फिर आराम कर लूँगी। राधा और माँ अपना काम पूरा कर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद उनके पिताजी की हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। अब तीनों बहनें अनाथ हो चुकी थी, वो बहुत परेशानियों से गुजर रही थी। कुछ दिनों बाद एक बूढ़ी माँ उनके यहाँ आती है और उन सबको उनके मनपसंद लड़कों से मिलवाती है। मीरा और प्रिया को बहुत अच्छा घर मिलता है और राधा को एक बहुत ही गरीब इंसान मिलता है। राधा ये सब देखकर बूढ़ी माँ से, मेरे नसीब में ऐसा क्यों है माँ? राधा तुम्हें बहुत जल्द ही पता चलेगा कि तुम्हारे नसीब में ये क्यों है। शादी के बाद मीरा का अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, गहने पहनना, बड़े बड़े होटल्स में रहना, ये सब चल रहा था। तो दूसरी ओर प्रिया पार्टीज करना, मूवी जाना, अपने दोस्तों के साथ घूमने जाना, ये तो और जोरों से चल रहा था। तीसरी ओर राधा अपने पति के साथ बहुत मेहनत कर रही थी। दो तीन साल बाद मीरा रोते हुए प्रिया को फोन लगाती है और उसे मदद मांगने लगती है। प्रिया देखो ना, मुझे लगता था कि पैसा ही सब कुछ होता है, लेकिन आज हमारे घर पुलिस आई थी। मेरे पति ने बैंक में बहुत बड़ा फ्रॉड किया है और इसीलिए पुलिस ने हमारी सारी प्रॉपर्टी जब्त कर ली। दीदी मैं खुद आपको फोन करने वाली थी। आज तक मुझे भी लगता था हैंडसम पति हो और मूवी देखना, पार्टीज करना, मतलब जिंदगी की सारी खुशियां बटोरना है, लेकिन ये सिर्फ शान और शौकत की चीज है। मेरा पति मुझे एक महीने पहले ही छोड़कर दूसरी लड़की के पास चला गया है। एक महीने से मैं बहुत ही ज्यादा टेंशन में हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। फोन पर बातें करते वक्त उन्हें अपनी माँ की बातें याद आती है, क्योंकि उनकी माँ उन्हें हमेशा बताती थी कि जिंदगी में कुछ ना कुछ काम करो। अब दोनों बहनें मिलकर राधा के पास जाने का फैसला करती है। दोनों राधा के यहाँ जाती है और देखती है
राधा अब बहुत ही बड़े घर में अपने पति और बच्चे के साथ खुशी खुशी रह रही थी। मीरा दीदी, प्रिया दीदी, आप दोनों एक साथ आइए। बहुत अच्छा किया जो आप यहाँ आई। बहुत साल बीत गए, हम सब मिल ही नहीं पाए थे। अब मीरा और प्रिया दोनों ही राधा को अपनी अपनी कहानी बताना शुरू करती है। राधा सब सुन लेती है और राधा अपनी बहनों से, दीदी जो हुआ सो हुआ, अब आप लोग माँ के बताए हुए रास्ते पर चलने की कोशिश कीजिए, मेहनत कीजिए, काम कीजिए और अपनी जिंदगी बदलने की कोशिश कीजिए। मीरा और प्रिया दोनों भी अपनी छोटी बहन राधा के बताए हुए रास्ते पर चलने के लिए तैयार होते हैं और राधा के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि ऊपर से सुंदर दिखने वाली हर चीज अच्छी ही होती है, ऐसा नहीं होता। इसीलिए मेहनत करना बहुत जरूरी है। सोलापुर नाम के गांव में एक रामलाल और राधा नाम का दाम्पत्य रहा करता था। उनका एक लड़का था जिसका नाम था राघव। राघव एक बड़े कंपनी में जॉब किया करता था। कुछ दिनों बाद राघव की शादी सरोज नाम की लड़की से हो गई। सरोज ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, मगर सरोज घर के कामों में माहिर थी। उसको कोई भी काम जल्दी आ जाया करता था। एक दिन राधा रामलाल से, अजी हमें बहू ना बड़ी अच्छी मिली है, मुझे कुछ काम ही नहीं करने देती। हाँ राधा, ये बात सच कही तुमने। मेरे राघव के तो भाग ही खुल गए। हाँ राधा, अब जाओ मेरे लिए चाय लेकर आओ। अभी बनाकर लाती हूँ। ऐसा कहकर राधा किचन में चली जाती है और चाय बनाने लगती है। तभी सरोज वहाँ आ जाती है और सरोज अपनी सास से, माँ जी आपको कुछ चाहिए था, लाइए मैं चाय बना देती हूँ। अरे रहने दो बहू, मैं बना लूंगी चाय। ठीक है माँ जी, तब तक मैं बाहर पौधों को पानी डालकर आती हूँ। ऐसा कहकर सरोज वहाँ से चली जाती है और अपना काम करने लग जाती है। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं। सरोज और राघव दोनों भी बहुत खुश थे। उनकी शादी को एक साल हो गया था। एक दिन राघव कंपनी से घर आ रहा था तो उसके गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और उस एक्सीडेंट में राघव की मौत हो गई। ये खबर घर में मालूम पड़ते ही सब जोर जोर से रोने लगे। उनके घर में तो जैसे दुख के बादल छा गए। कुछ दिनों बाद राघव का सब कार्य पूर्ण हो गया। अब राधा का सरोज के प्रति बर्ताव बहुत ही बदल गया था। राधा उसे अब आए दिन बहुत टोका करती थी, उसे खरी खोटी सुनाया करती थी, जैसे कि उसी की वजह से उसका बेटा चला गया। एक दिन सरोज अपने कमरे में रो रही थी और खुद से ही बातें कर रही थी। मेरे ही नसीब में ये सब क्यों है, मेरे नसीब में खुशियां ही नहीं लिखी है। इन सब में मैं कहां जिम्मेदार हूँ, और राघव तुम भी मुझे छोड़कर चले गए। ऐसा कहकर सरोज और जोर जोर से रोने लगती है। वो दिन भर अपने गम में डूबकर काम किया करती थी और राधा तो सरोज को उसके लड़के की मौत का जिम्मेदार माना करती थी। इसीलिए राधा का सरोज के प्रति रवैया बहुत बदल गया था। एक दिन राधा सरोज से, अरे ओ करमजली, तुम्हें अब खाना तक बनाना नहीं आता, सब दाल जला दी। माँ जी मैं बाहर आंगन में काम कर रही थी तो थोड़ी दाल जल गई, मुझसे ऐसा फिर कभी नहीं होगा। पहले मेरे बेटे को खा गई और अब हमें मारने पे तुली हो। ये सब सुन सरोज की आंखों में आंसू आ गए और वो रोते रोते अपने सास से, माँ जी मेरे मन में कभी आप दोनों के लिए ऐसा विचार नहीं आया, और आप ऐसा क्यों बोल रही है। माँ जी आपको भी पता है ना कि इनकी मौत कैसे हुई थी, फिर भी आप मुझे बोल रही हो। ऐसा कहते ही सरोज की आंखों में आंसू आ गए और वो दूसरे कमरे में चली गई। अब सरोज के ससुर जी राधा से, राधा तुम्हें सरोज को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। आप मुझे मत सिखाइए कि मुझे कैसे बात करनी है और कैसे नहीं, मैं मेरा देख लूंगी। राधा ऐसा कैसा चलेगा, तुम हमारे बेटे के मरने का जिम्मेदार उसको कैसे मान सकती हो, इसमें उसका कोई कसूर नहीं है। हाँ मुझे पता है, मगर मेरा मन नहीं मानता, उसके ही अपशकुनी पैरों के कारण मेरा बेटा चला गया। बस राधा बहुत हो गया, मैं सुन रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ भी कहोगी। राधा चुपचाप वहां से अपने कमरे में चली जाती है। कमरे में जाकर बेटे की यादों में रोने लगती है। अब ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते हैं और उसके घर में कमाने वाला कोई ना होने के कारण घर का राशन सब खत्म हो रहा था। एक दिन सरोज अपनी सासू माँ से,
माँ जी, हमारे घर का अनाज अब खत्म हो रहा है तो हमें पहले अनाज भरना पड़ेगा। इस घर में एक ही तो था कमाने वाला, वो भी चला गया। मैं तुम्हारे ससुर जी से बात करके देखती हूँ। उनकी बातें सुन सरोज को बहुत बुरा लगा और उसने घर में ना बैठकर घर के लिए कुछ करने का ठान लिया। एक दिन सरोज कुएं पर पानी भरने के लिए चली गई और उधर कुछ औरतें बातें कर रही थी। मैंने सुना है कि हमारे गांव में विधवाओं के लिए कुछ योजना आई है। अरे, विधवाओं ने कुछ काम करना अच्छा लगता है क्या? उन्हें सिर्फ घर का काम करना चाहिए। तुम चुप करो रेशमा, मैंने भी यही सुना है। ये योजना ग्राम पंचायत में आई है। कैसी योजना है सुमन दीदी, मुझे भी बताइए। अरे सरोज, हमारे ग्राम पंचायत में योजना आई है, उसका तुम लाभ ले सकती हो। उसके लिए तुम्हें तुम्हारे कागजात लेकर जाना होगा। मैं जाकर देखूंगी। हाँ ठीक है, तुम जाकर देखो। ऐसा कहकर सरोज अपने घर चली आती है और घर आते ही सरोज घर के काम करने लगी और आगे क्या करना है इसके बारे में सोचने लगी। तभी उसके ससुर जी सरोज से, बहू, हमारे गांव की ग्राम पंचायत में एक योजना आई है, मैं चाहता हूँ कि तुम उस योजना का लाभ लो। पिताजी, मैं भी यही सोच रही हूँ, कल जाकर देखती हूँ। हाँ बहू, तुम जाकर देखो और कुछ मदद लगे तो मुझे बताना। ऐसा कहकर रामलाल वहां से चले जाते हैं। अब सरोज अगले दिन अपने सारे काम जल्दी जल्दी खत्म करके ग्राम पंचायत के ऑफिस में चली जाती है। वहां जाकर सरोज सरपंच जी से, सरपंच जी नमस्ते, मुझे ऐसे पता चला है कि विधवाओं के लिए कुछ योजना आई हुई है। जी, आपको सही पता चला है कि योजना के अंतर्गत आपको सिलाई मशीन तथा कुछ काम की चीजें भी मिल सकती है। आपको सिलाई मशीन चाहिए क्या? उसका ट्रेनिंग भी है जिससे आपको सिखाया जाएगा कि आप कैसे कपड़े सिलवा सकती है। मुझे वह ट्रेनिंग करना है सरपंच जी, आप मेरा नाम लिख लीजिए उस ट्रेनिंग में। मैं अभी लिखवा लेता हूँ, आपका अगले हफ्ते में ट्रेनिंग होगा। जी सरपंच जी, अब मैं चलती हूँ। ऐसा कहकर सरोज घर पर आ जाती है। अब सरोज को इतने दिनों बाद कुछ नया काम करने की चाह के कारण उसे बहुत अच्छा लग रहा था। उसी के कारण सरोज ने घर के सारे काम जल्दी जल्दी खत्म करके सोने चली गई। अब एक हफ्ता कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। अगले हफ्ते में सरोज का सिलाई करने का ट्रेनिंग शुरू हो गया। अब सरोज वो ट्रेनिंग मन लगा कर करने लगी और उसे सिलाई करने का काम बहुत अच्छी तरीके से आने लगा। उसकी हाथ की कला देख सभी संतुष्ट थे। अब सरोज को सिलाई मशीन घर में काम करने के लिए मिली थी। वो सिलाई मशीन देख सरोज उसके पैर पड़ती है और अपना काम करना शुरू कर देती है। उसके पास अब गांव के बहुत सारे कपड़े सिलवाने के लिए आया करते थे, इसीलिए सरोज को वक्त ही नहीं मिलता था कि वो दूसरी बातें मन पर लेकर सोचे। अब सरोज महीने के अच्छे खासे रुपए कमाया करती थी। उसने एक महीने के सारे पैसे इकट्ठा किए और अपने सास ससुर जी से, माँ जी, ये मेरी महीने की कमाई है, ये आप अपने पास रखिए। नहीं बहू, मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा, तुम सच में हमारी बेटी निकली। मैंने तुम्हें इतना कुछ कहा मगर तुमने मेरा कहना मन में ना लेकर खुद की तरक्की की। नहीं माँ जी, ये सब आपकी वजह से हुआ है। आप अगर मेरे पीछे नहीं खड़े रहते तो मैं ये सब नहीं कर पाती। अरे बहू, तुमने हमारा नाम रोशन कर दिया। सरोज अब राधा और रामलाल के पैर पड़ती है और अपना काम खुशी खुशी करने लगती है। कुछ महीनों में सरोज ने अपने साथ और कुछ लड़कियां काम करने के लिए रख ली थी और उनके साथ मिलकर सरोज अच्छा काम किया करती थी। सरोज अब स्कूल के ड्रेसेस और बाकी के सारे कपड़े सिलने में माहिर हो चुकी थी, जिसे विधवा कहकर चिढ़ाने वाला समाज आज उसकी तरफ सम्मान पूर्वक देख रहा था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी को भी कभी भी कम नहीं समझना चाहिए और किसी के छुपे हुए सुप्त गुणों को हमेशा वाव करना चाहिए। हीरापुर नाम के गांव में शांता नाम की एक बूढ़ी औरत अपनी पोती राधा के साथ रहा करती थी। राधा 10 साल की थी तभी उसके माता पिता गुजर गए थे, तभी से शांता उसकी अच्छी तरह से देखभाल किया करती थी। शांता की उम्र बढ़ जाने के कारण उससे अब ज्यादा काम नहीं होता था, फिर भी अपनी पोती के पढ़ाई के लिए शांता काम किया करती थी। एक दिन शांता राधा से, राधा थोड़ा पानी तो लाना। ये लो दादी पानी। क्या हुआ दादी, तुम बड़ी थकी हुई लग रही हो। बिटिया, अब बुढ़ापे की वजह से बहुत थकान महसूस होती है, अब मुझसे काम नहीं होता। दादी,
मैं बड़ी बन के जब डॉक्टर बनूंगी तो मैं तुम्हें कुछ भी काम नहीं करने दूंगी, तब तुम आराम करना। शांता उसकी बातों पर हंसती है और राधा को गले लगा कर कहती है, तू बड़ी बन के जब डॉक्टर बन जाएगी तब गरीबों की खूब सेवा करना। हाँ दादी। ऐसे ही राधा और शांता के दिन आराम से बीत रहे थे, तभी एक दिन शांता की तबीयत बहुत खराब हो गई। शांता को बहुत तेज बुखार होने के कारण उसे बिस्तर से उठा ही नहीं जाता था। उसकी ये हालत देख राधा शांता से, दादी आपको कितना बुखार है, आप ये दवाई लो और आराम करो। काम पर कौन जाएगा राधा, मुझे उठने दो। दादी मैं सोच रही हूँ कि आज से मैं आपका काम करने जाया करूँगी। राधा तुम इतना सारा काम कैसे करोगी, तुम्हें तो सारे काम भी नहीं आते। दादी मैं सब काम कर लूंगी, आप चिंता मत करो। ठीक है राधा। अगले दिन राधा काम करने के लिए चली जाती है, तभी राधा मालकिन से, मालकिन आज से मेरी दादी की जगह मैं काम करने आया करूंगी। ठीक है आज से तुम काम शुरू कर दो। जी मालकिन, मुझे क्या काम करना पड़ेगा? तुम्हें कपड़े बर्तन झाड़ू लगाना ये सब काम करने पड़ेंगे, सब काम अच्छी तरह से करना। जी मालकिन। ऐसा कहकर राधा काम करने लग जाती है। घर का सारा काम करते करते वो बहुत थक जाती है। सारा काम खत्म हो जाने के बाद मालकिन उसके हाथ में 100 रुपए की नोट रखती है और कहती है, राधा ये लो आज के तुम्हारे काम के पैसे। मालकिन इतने ही? दादी को तो आप ज्यादा पैसे देती थी। क्योंकि तुम्हारी दादी काम भी उतना साफ सुथरा किया करती थी, इसीलिए तुम्हें इतने ही रुपए मिले। राधा चुपचाप वहां से पैसे लेकर चली जाती है। राधा हर रोज अपना काम करके बहुत थक जाया करती थी। थकावट की वजह से राधा की पढ़ाई भी नहीं हुआ करती थी। ये सब देख दादी बहुत दुखी होती थी। एक दिन राधा काम खत्म करके घर जा रही थी, तभी उसे चक्कर आने की वजह से राधा एक पेड़ के नीचे बैठ गई। उस रास्ते से बहुत लोग आ जा रहे थे। एक बूढ़ा आदमी उसके पास आकर राधा से पूछता है, क्या हुआ बेटी, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना, तुम अकेली इस पेड़ के नीचे बैठी हो। राधा उस बूढ़े आदमी को देखकर कहती है, मैं ठीक हूँ बाबा, थोड़ी चक्कर आ रही थी इसीलिए मैं यहाँ बैठ गई। बूढ़े आदमी ने अपने पास के घड़े से थोड़ा पानी राधा को पीने के लिए दिया। राधा ने घड़े में से पानी पी लिया और उसे कहने लगी, धन्यवाद बाबा, अब मुझे अच्छा लग रहा है। बेटी ये घड़ा तुम रख लो, ये तुम्हारी बहुत सहायता करेगा। ये घड़ा मेरी क्या सहायता करेगा बाबा? बेटी ये घड़ा कोई साधारण घड़ा नहीं है, ये एक जादुई घड़ा है, इससे तुम जो भी मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगा। क्या ये घड़ा सच में जादुई है? हाँ बेटी, इस घड़े से तुम जो भी मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है बेटी अब मैं चलता हूँ, तुम इस घड़े को संभाल कर रखना। धन्यवाद बाबा। ऐसा कहकर बूढ़ा आदमी वहाँ से चला जाता है और राधा घड़ा लेकर अपने घर चली आती है। घर आते ही राधा दादी को घड़ा दिखाती है और उससे कहती है कि, दादी मुझे रास्ते में एक बूढ़े बाबा मिले थे, उन्होंने ये घड़ा दिया है, ये घड़ा जादुई है, इससे मैं जो भी मांगूंगी वो मुझे मिल जाएगा। राधा सच में ये घड़ा जादुई है? हाँ दादी, चलो मैं इससे कुछ मांग कर देखती हूँ। ऐसा कहकर राधा उस घड़े से खाना मांगती है। हे जादुई घड़े, मुझे मेरे लिए और मेरी दादी के लिए खाना चाहिए। ऐसा कहते ही राधा के सामने खाने के पकवान थालियों में सज कर आ जाते हैं। उन्हें देख राधा और दादी बहुत खुश हो जाते हैं। उस दिन राधा और दादी भर पेट खाना खाते हैं और रात के समय उस घड़े के पास राधा जाकर, हे जादुई घड़े, मुझे इस जादुई घड़े जैसे और 2 जादुई घड़े चाहिए जो हमारी इच्छा पूरी करे। ऐसा कहकर राधा सो जाती है। सुबह उठकर राधा जब देखती है तो उसके सामने जादू के 3 घड़े थे। एक घड़े में सोना, दूसरे घड़े में चांदी के सिक्के और तीसरा घड़ा मोतियों से भरा हुआ था। ये सब देख राधा बहुत खुश हो जाती है और उस दिन से राधा ने बाहर काम करना छोड़ दिया। अपनी दादी के साथ राधा खुशी खुशी रहा करती थी। राधा अब पढ़ाई बहुत मन लगा कर किया करती थी और गरीबों की सहायता भी किया करती थी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना आए,
हमें उस परिस्थिति का डटकर सामना करना चाहिए।